दोस्तों बांग्लादेश में साइकिल रिक्शा वालों की लाइफ ये बहुत ही मतलब रिस्की और बहुत ही मेहनती लाइफ रहती है। तो ऐसे ही एक रिक्शा वाले से हम मिलते हैं और बांग्लादेश में साइकिल रिक्शा वाले की लाइफ कैसी होती है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए बहुत सारी साइकिल रिक्शा अभी यहाँ खड़ी है। अभी हम शहीद मीनार के सामने खड़े हैं और ये है आपने, हाँ आपका क्या नाम? शाहिद अली। शाहिद अली भाई, यहाँ से आप कितने दिन से साइकिल रिक्शा चलाते? तीन चार बरस से। तो फिर आप एक दिन में कितना मनी होता है आपका यहाँ? 1200 मतलब एक दिन में। और मतलब यार मैं देखता हूँ बहुत मेहनत का काम है ये, आप जो करते हैं वो सही में। ये बैठने वाला पीछे आराम से बैठ जाता है लेकिन उसको सही टाइम पे सही जगह टाइम पे पहुंचाने का काम आप बहुत महत्वपूर्ण काम करते हो। और मतलब मैं बहुत ढूंढ रहा था कि कोई हिंदी बोलने वाला मुझे मिले, तो आप ही मुझे मिले। शाहिद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप रहते कहाँ? इधर ही ढाका में ही? अच्छा। अभी आपकी उम्र कितनी, एज कितनी होगी आपकी? मैं भी 55 57। देखिए 57 साल के उम्र के आपने ये चाचा जी और आज यहाँ मतलब साइकिल रिक्शा सुबह से चलाते और मतलब रात तक आप चलाते, जब जैसे सवारी मिली वैसे रात के 10 बजे तक है। तो भी इनके चेहरे की मुस्कान आप देखिए, इतना थके हैं, इतना ये कर कष्ट से उनकी कमाई शुरू हुई, तो भी उनकी चेहरे की मुस्कान वो अपने आप में देखने जैसे है। उनके सामने हमारा कष्ट कुछ भी नहीं, हम कुछ भी मतलब कष्ट सह के काम नहीं करते, लेकिन तो भी हम ऐसा हमारा चेहरा उदास रहता है, ये रहता है, लेकिन आपके चेहरे की हंसी देख के आपको यार सही में सैल्यूट करने को मन करता है। फिर आपके बच्चे वो तीन में एक्सेलेंट। अच्छा। और फिर मतलब इसके पहले आप क्या काम करते थे? किसी का सोचते इधर ही ढाका में ही थे क्या? नहीं, फिर ग्राम से। हाँ मतलब ग्रामीण खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, मैं अभी जब जयपुर हाट से मैं राजशाही से पबना आए तो खेती बाड़ी के लोगों का ही जीवन में देखते आया हूँ, जो खेती करते हैं, जो पानी में उतर के वो साफ सफाई करते हैं, चावल की खेती करते हैं, बहुत वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत का काम आप कर रहे हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के हमसे बातचीत करने की कोशिश की। धन्यवाद सर जी। तो उस ब्रिज से चलते चलते आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है ब्रिज जो मेट्रो का काम शुरू है वो, और एक सर्कल पे पहुँच गए हम। इस सर्कल से अभी सीधा जाएंगे हम कमलापुर रेलवे स्टेशन की तरफ, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मुझे पहली बार यहाँ ढाका में नज़र आ रही है। तो जब से आया तब से मैंने सोचा था कि यार ढाका की डबल डेकर जो बस है ये मैं दिखाऊं अंदर से कैसे रहती है। अभी वीडियो निकलने से पहले एक्चुअली मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर खोलिए मुझे, मैं दिखाना चाहता हूँ बस कैसे रहती है। ये जो लिखा है ये ढाका विश्वविद्यालय और अशोक लेलैंड की ये बस रहती है पूरी। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बस कैसे रहती है, बांग्लादेश की ये जो डबल डेकर बस देख रहे हैं आप ये कैसे रहती है। एक्चुअली अपने जो ड्राइवर साहब है वो सो रहे थे, सॉरी भाई मैंने आपको जगाया। लेकिन थैंक यू सो मच। ये देखिए ये है ड्राइवर सीट्स, ये ऐसे सीट्स रहते हैं, और ये डबल की पूरी सीटिंग रहती है। अभी ऊपर कैसा रहता है वो मेन बात है अपनी, उसके लिए पीछे से भी एक दरवाज़ा रहता है और चढ़ने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ रहती है। साइकिल यहाँ पे लगाई है हमने, ऐसी सीढ़ियाँ रहती है, ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर भी बैठ सकते हो। वाह वाह वाह, ऊपर तो फैन की भी सुविधा है और मस्त लगता है यार।
और डबल डेकर बस की खास बात ये है कि आप ऐसे बैठ के नज़ारे देख सकते हैं, सामने सामने सीधा, मतलब जैसे ड्राइवर को दिखता है वैसे ही आप देख के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसी रहती है बांग्लादेश की डबल डेकर बस। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि बांग्लादेश में साइकिल रिक्शा वाले की लाइफ कैसे रहती है, वैसे ही बांग्लादेश की डबल डेकर बस कैसे रहती है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गंगोत्री टू बांग्लादेश की यात्रा जो पहुँचने वाली है अपनी भारत की तरफ। जय हिंद।